हुंडई हो या केएफसी हो या ओसाका बैटरीज हो, इसुजु हो, बॉस्च है, ये कुछ कंपनीज है जिन्होंने कश्मीर ऑल पॉसिबल मैक्सिमम डिप्लोमेटिक टूल्स इस्तेमाल करना, इससे पहले कि अगला कोई एक्शन ले, पहले ही उन्होंने जनाब खत्ते पे आ जाओ। तो हमें इन चीजों को देखना है कि ये हम किस तरह चीजें मैनेज कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो उन्होंने जनाब सुजुकी हो, टोयोटा हो, हुंडई हो, केएफसी हो, सबको पकड़ लिया उन्होंने। मैकडोनल्ड्स हो, सबसे अपोलोजाइज करवा रहे हैं, ठीक है जी। यम हो, पता नहीं क्या क्या है। तो यहां पे पाकिस्तान तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आपको अंदाजा लग गया होगा। हाल ही में 3-4 दिन पहले की ये बात है, 5 तारीख को जैसे ही कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में एक पागलपन होता है, उसके बाद वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ ने ट्वीट किया और उसके बाद उन कंपनीज़ को माफ़ी मांगनी पड़ी और पाकिस्तान की इसमें अच्छी खासी फजीहत हुई है और पाकिस्तान के लोग अब शायद कश्मीर कश्मीर बोलना बंद करेंगे। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं कुछ बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ जी के, ठीक है। ये कंपनीज हमारे यहाँ काम करती हैं, ये कंपनीज हमारे यहाँ बिजनेस करती हैं, तो ठीक है, हम इनके साथ जो है वो इनको मजबूर कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में, ये पाकिस्तान की जो है वो हक में नारे मारें। अच्छा, वो कंपनीज इंडिया में हैं, वो वहाँ पे अपोलोजाइज करेंगी आपके यहाँ, वो वहाँ पे जो है वो कहेंगे जी ठीक है, यहाँ पे तो हमें कहा जा रहा है। सो ये इस चीज़, इस डेलिकेसी को, इस चीज़ को समझना है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है, क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है। जाहिर बात है, वो जिसे कहते हैं ना कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो वो टोयोटा हो, होंडा हो, उसके बाद केएफसी हो, पिज्जा हट हो, वो जितनी कंपनीज अपोलोजाइज कर रही हैं इंडिया से, इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक ऑफेंसिव स्टेप लिया है उसको रीड करने की जरूरत है, उसको स्टडी करने की जरूरत है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो लीडरान हैं या हमने हमारी जो कश्मीर पॉलिसी है वो किस तरह चलेगी। एक तरफ तो जारी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारे मामला ठीक हों, हमारी चीज़ें बेहतर हों और हम जो है वो किसी किस्म की मजीद कंट्रोवर्सी में ना जाएं और भारत, और दूसरी तरफ आपको पता है कि मजीद हम जो है वो कोई ना कोई रौला भी पड़ा जाता है। थोड़े दिन पहले इंडियन आर्मी चीफ ने एक बात कर दी जिससे वो सारी की सारी जो एक, जिसे आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट हो गई। अच्छा, उनके उस बात करने से पाकिस्तान की ISPR को भी स्टेटमेंट देनी पड़ गई कि भाई साहब आपने जो बात की है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं है, हम अमन के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारी भारत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो आए रोज़ जैसे कहते हैं कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं, योगी साहब जो हैं उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट पिच किया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग सेड कि योगी इज़ कमिंग एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। अगर योगी साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आते हैं तो क्या होगा, किस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी और किस तरह का एक माहौल बन सकता है। क्योंकि योगी अगर यूपी में जीत जाते हैं, और ये जो खास करके ये जो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है लड़की वाला, जिसको जारी बात है सब ने देखा और सब ने समझा है और सब ने अपनी जो है वो अपनी एक राय देने की कोशिश की है, ओपिनियन देने की कोशिश की है, तो ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या हमने इस्लामोफोबिया की डिबेट को पिक करना है, हमें ग्लोबली कितनी पजीराई मिल रही है। मैं यहाँ पर एक सफारतकार से मिला, उन्होंने मुझे कहा जी कि जो हमारी जो पाकिस्तान की जो 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 इस्लामोफोबिया की जो बहस है ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या रेलिवेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदा उठा सकता है या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को, या दुनिया में हम अपना किस तरह का इमेज देना चाहते हैं। हमने रिसेंटली दहशतगर्दी की जंग लड़ के हमने कहा कि ये दहशतगर्दी जो है दिस इज़ ये गलत है और दहशतगर्दों से लड़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ही एक और चीज़ भी है और वो ये चीज़ है कि अगर दहशतगर्दों से आपने लड़ाई तो कर ली, एक्सट्रीमिज्म से कैसे लड़नी है। और अच्छा, अगर आपने एक्सट्रीमिज्म से जंग करनी है दैट्स गुड, हमने एक्सट्रीमिस्ट से लड़ना है, लेकिन हमें इस चीज़ को भी देखना है कि फॉर एग्जांपल क्या हमें उन डिबेट्स को लीड करने की ज़रूरत है जो डिबेट्स रिलेटेड टू मुस्लिम्स हैं, जैसे इस्लामोफोबिया है। ठीक है, एक मैयड रिस्पॉन्स तो होना चाहिए। पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस ने इंडियन चार्ज डी अफेयर को बुलाया है फॉरन ऑफिस में और प्रोटेस्ट किया है, लेकिन कितना कुछ ज़रूरी है ये पाकिस्तान के लिए कि हम अपने मसाइल जो है वो थ्रू रिलीजियस लेंस देखें या अपने मसाइल इस अंदाज से देखें कि पायन जो भी है हमने एट द एंड ऑफ द डे क्या उसे बोलते हैं मामला जो है उनको मजहबी एंगल से देखना है।
ये सारी चीज़ें हैं। देखिए कश्मीर हो या मजहबी एंगल हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं मुझे ऐसे लग रहा है इसके ऊपर हमारा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल कम से कम होता जा रहा है। मैं इसमें देखे बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तानी भी जो हैं वो कई दफ़ा गुस्सा कर जाते हैं, जनाब के देखें आप शायद मुहिब्बे वतन नहीं हैं, अब आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम मुहिब्बे वतन क्या हैं, क्वेश्चन ये है कि हमें व्हाट सूट्स अस, हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर काम करना चाहिए, दिस इज व्हाट दैट इज आवर नीड। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमें जो ये रिसेंटली ये जो कंपनीज का मामला आया जिन्होंने कश्मीर के ऊपर बात की, हमारी हुकूमत की तरफ से साइलेंस रही। किसने प्रोटेक्ट किया केएफसी को, किसने प्रोटेक्ट किया टोयोटा को, किसने प्रोटेक्ट किया है? सो एक पब्लिक ऑडियंस के लिए, और मुझे एक और चीज जो खतरनाक लग रही है, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान, ओसाका बैटरीज हो, इसुजू हो, बॉस्च है, ये कुछ कंपनीज है जिन्होंने कश्मीर के लिए कश्मीर डे पे, जिसे कश्मीर सॉलिडेरिटी डे बोलते हैं, उस पर ट्वीट किया। और इनफैक्ट हुंडई का ट्वीट सबसे शॉकिंग था, वो ये था कि लेट्स रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड स्टैंड इन सपोर्ट एज दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इस ट्वीट को हटा दिया गया। अब बात आती है कि क्या हुंडई इंडिया के जो पॉलिसी है कश्मीर पॉलिसी उसको जानती नहीं? उन्होंने जो पाकिस्तान से ट्वीट किया, जाहिर है किसी पाकिस्तानी ने ट्वीट किया और हुंडई को पता भी नहीं होगा ऐसा ट्वीट हुआ, क्योंकि ट्विटर हैंडल के ट्विटर हैंडल्स जो इन सबके किसी पाकिस्तानी के हाथ में। लेकिन क्या हुंडई अपना ट्विटर हैंडल या फेसबुक हैंडल या केएफसी या इसुजू बात कीजिए, ये सब अपनी कंपनी के फोरम को एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा के लिए यूज कर सकते हैं? नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट के ऐसे ट्वीट हुए और उसके बाद इन कंपनीज को अपोलोजाइज करना पड़ा, अपोलोजाइज किया हुंडई ने, क्योंकि हुंडई के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। हुंडई पाकिस्तान में 8,000 कार बेचता है पर ईयर, इंडिया में 5,00,000 कार बेचता है, उसको पता है प्रॉफिट्स कहां से आने हैं। पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है ना, केएफसी के लिए भी इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, फोकस रखता है केएफसी में, साथ में इसुजू हो या ओसाका बैटरीज हो, ये सारे के सारे इंडिया को एक बड़ा मार्केट मानते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और इंडिया के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार होते हैं, तो दे नो इट व्हाट्स गोइंग ऑन। इस तरीके का कोई भी ट्वीट उनके मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। तब से हड़कंप ही मचा हुआ है और दो बार तो क्लैरिफिकेशन हुंडई दे चुकी है। केएफसी का जो क्लैरिफिकेशन है वो बड़ा स्पीड से आया, वो कुछ ही घंटों में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वी अपोलोजाइज फॉर इट। इन सब कंपनीज को, क्योंकि इंडिया मानता है कि फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है वो टेररिज्म है, और अगर फ्रीडम स्ट्रगल है भी तो पाकिस्तान ये बलूचिस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल पे भी ट्वीट कर दें कि बलूचिस्तान भी फ्रीडम स्ट्रगल, अगर बलूचिस्तान डे वाले दिन ये बोल दें वी सपोर्ट बलूचिस्तान, ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। हुंडई इंडिया कर दे मान लेंगे नहीं, तो द फैक्ट इज कि इस तरीके का मिसयूज हुआ, इसीलिए कंपनीज को अपोलोजाइज करना पड़ा। इनफैक्ट सुना है कि हुंडई का शेयर भी क्रैश हुआ, क्योंकि हुंडई का इतना बड़ा मार्केट हाथ से निकलने का डर था। अभी भी ट्विटर ट्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं और कोई सेकेंड अपोलॉजी आई है हुंडई की तरफ से, उसके बाद भी ट्विटर ट्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये चीज हुंडई को केएफसी को दोनों को संभालना मुश्किल पड़ रही है। केएफसी के सेल्स पे इम्पैक्ट दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा, डेफिनेटली अगर आप इस कंट्रोवर्सी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हुआ क्या था। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो भी ये ट्वीट पोस्ट या स्टोरी शेयर की गई होंगी पाकिस्तान में, जैसे हुंडई है, केएफसी है, या जो भी दुनिया में जो इंटरनेशनल कंपनी है जो दूसरे देशों में जाकर इन्वेस्टमेंट करती है, वो उसमें मेन हेड का कोई भी रोल नहीं होगा, ये आप समझ सकते हो। ये पाकिस्तान में जो उस कंपनी का हेड होगा, उसके बाद जो पीआर टीम होगी या जो सोशल मीडिया टीम हैंडल कर रही होगी सोशल मीडिया अकाउंट्स, उस बंदे की गलती है या उस बंदे को ऊपर से ऑर्डर आए होंगे कि भाई ऐसा तुम करो। डेफिनेटली ये हुंडई का कोरिया के वहाँ से नहीं बोला गया होगा कि ये मतलब आप ऐसा करो वैसा करो, डेफिनेटली उनकी गलती नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद हुआ क्या, जो ये ट्वीट पोस्ट या स्टोरी की गई, इसके बाद इंडिया में सोशल मीडिया पर हुआ हंगामा। जो आम लोग होते हैं उन्होंने हंगामा किया, स्पेशली आम लोगों के हंगामे के बाद वो वहाँ से ट्वीट डिलीट हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी।
तो डेफिनेटली इस मैसेज मतलब इस बात से पाकिस्तान के लोगों को उनकी औकात पता चल गई होगी कि भाई यहाँ के लोग वहाँ की इंटरनेशनल कंपनी के ट्वीट डिलीट करा सकते हैं कश्मीर को लेकर, तो तुम्हारी औकात क्या है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज गया होगा और आइंदा शायद ऐसी गलती वो रिपीट नहीं करेंगे। डेफिनेटली अब ऐसी कोई पाकिस्तान की कोई चिंदी चोर कंपनी होगी वही ट्वीट करती रहेगी, वहीं के लोग देखते रहेंगे। तो एक चीज़ तो है, अच्छा खासा मैसेज गया है, ये है मतलब आम लोगों की ताकत। डेफिनेटली हमारे सोल्जर, हमारे जो जवान है वो बॉर्डर पर लड़ते हैं, लेकिन ये आम लोग इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं कि सामने वाले का ट्वीट भी डिलीट और सामने वाली कंपनी ने मतलब माफ़ी भी मांगी और वहाँ के लोगों की अच्छी खासी बेइज्जती भी हो गई। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। तो गाइज़ आपको पता होगा पाकिस्तान में इस समय जो ये हिजाब और ये बुरखा कंट्रोवर्सी कितनी ज़्यादा चल रही है। पूरी कंट्रोवर्सी को उन्होंने हिंदुत्व, ये वो, मोदी फलाना ठिकाना, आरएसएस, इसी पर ये ले गए। इन्होंने ये नहीं बताया कि स्कूल का ड्रेस कोड होता है, आप कवर स्कार्फ लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ड्रेस कोड होता है, आपको एक यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, आप पूरा कवर करके हिजाब और पूरा नकाब जैसा तालिबान में चलता वैसा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर पाकिस्तान में अभी ये टूल किट चल रही है, ये टूल किट इंटरनेशनली बहुत फेमस हो रही है। आपको पता है एक दिन के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ट्वीट हटा है, उसके बाद ऑब्वियसली इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं और फिर विदेशों में ये वो फंडिंग करके, जैसे आपको याद होगा मियाँ खलीफा ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था, किसान आंदोलन खत्म होने के बाद कोई ट्वीट नहीं आया था। मतलब पैसे पहुंचते हैं, ये पीआर टीम होती है, इनको हायर करती है, किस तरीके से हैंडल किया जाता है ये सब होता है। तो एक इंटरनेशनल टूल किट भारत के खिलाफ चल रही है तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, हालांकि इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता भारत को, सीरियसली अच्छी बात है। ऐसी कंट्रोवर्सी को झेल झेल के हम इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि बाद में कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होगी तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो अच्छा है। ये छोटे छोटे घाव झेल झेल के बड़े घाव के लिए हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि और भी आने वाले समय में ऐसे प्रोपेगेंडे होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इस तरीके के प्रोपेगेंडे हमें साल 6 महीने में झेलने झेलो, उसके बाद सामने जो प्रोपेगेंडा टीम उनकी भी बैंड बजेगी, वो भी सोचेंगे कि यार कुछ तो हो नहीं रहा है। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में?